नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो इसमें आज हम लोग क्लास में बात करेंगे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। तो याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना 1944 में शिकागो कन्वेंशन के द्वारा की गई थी। इसके सदस्य देशों की बात करें तो 193 देश इसके सदस्य हैं। वो इसके मुख्यालय की बात करें तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय। और क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें तो मैक्सिको, पेरिस, लीमा, डकार, काहिरा, बैंकॉक में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के उद्देश्यों की बात करें तो सदस्य देशों और विभिन्न उद्योग समूहों के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मानकों व अनुशासित प्रथाओं और नीतियों पर सहमति बनाना और सुरक्षित, कुशल, आर्थिक रूप से संपोषणीय और पर्यावरणीय अनुकूल नागरिक उड्डयन क्षेत्र का विकास करना इसके उद्देश्यों में शामिल है। इसके बारे में अन्य तथ्यों की बात करें हम लोग तो आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ICAO। ICAO वर्ल्ड एविएशन फोरम का आयोजन भी करता है। उड्डयन क्षेत्र में नीति निर्माण, बिजनेस मॉडल, विनियामक प्रक्रियाओं, गवर्नेंस और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप तकनीकों पर चर्चा के लिए 22 से 23 सितंबर 2019 के दौरान 5वें वर्ल्ड एविएशन फोरम 2019 का आयोजन किया गया। आयोजन की थीम थी इनोवेशन इन एविएशन। क्या थी? इनोवेशन इन एविएशन थीम। इस दौरान नवाचार मेला भी आयोजित किया गया आपका, ड्रोन एनेबल्ड सिंपोजियम का आयोजन भी किया गया। मानव रहित विमान क्षेत्र या ड्रोन उड्डयन क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और चुनौतियों के समाधान के लिए तीसरी ड्रोन एनेबल संगोष्ठी का आयोजन नवंबर 2019 के दौरान किया गया है। ठीक है, ग्लोबल एविएशन ट्रेनिंग ट्रेनियर प्लस सिंपोजियम, इसका आयोजन नई दिल्ली में 4 से 6 दिसंबर 2020 के बीच किया गया, 4 से 6 दिसंबर 2020 के बीच। ठीक, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और GMR एविएशन एकेडमी इसमें इसकी मेजबानी करेंगी। ठीक है, इस संगोष्ठी की थीम क्या है? नवाचार रहेगी, जिसमें उड्डयन शिक्षण से जुड़े नवाचार पर चर्चा भी की जाएगी। तो ये था आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे WWF के बारे में।